मैं मेट्रो से निकल चुका हूँ और बैठती है वेनेसडे मार्केट तो मैं और अभी तक कार्ट नहीं आई। भाई साहब कार्ट पार्क हुई थी ना वहाँ। हेलो जी, कैसे हो आप? Hey guys, welcome back to our new vlog. तो ये vlog first होने वाले मेरी after boards exams और आज हम जा रहे हैं BTech पानीपुरी वाली दीदी से मिलने और देखते हैं उनकी पानीपुरी कैसी है और हेल्दी, देखते हैं कितनी हेल्दी है। तो चलो चलते हैं। मेट्रो से निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ आगे वाली जेल रोड की साइड में और वहाँ पे बैठते हैं बीटेक पानीपुरी वाली। तो मेट्रो स्टेशन के पास नहीं बैठी थी बीटेक पानीपुरी वाली बिकॉज आज वेनेसडे था। तो वो बैठती है वेनेसडे मार्केट, तो हम जा रहे हैं रिक्शे से। अब वेनेसडे मार्केट पता नहीं कहाँ पे है, कुछ आइडिया नहीं पता। हम खड़े हैं गोल चक्कर में और अभी तक कार्ट नहीं आई क्योंकि हम पहुँच गए 5 PM पहुँच चुके हैं और अभी तक कार्ट नहीं आई, लेकिन हम वेट कर रहे हैं 5:30 तक आएगी, 5:30 बजे तक। तो देखते हैं कब तक आते हैं। तो ये कुछ इम्प्लॉयज है पानीपुरी वाले के और ये कार्ड को साफ ऑफ कर रहे हैं मटेरियल। अभी मैं गया था जहाँ पे उनकी कार्ड पार्क हुई थी ना वहाँ पे गया मैं और अभी कार्ड लग रही है, अभी टाइम लगेगा 5:30। कार्ड लगने के बाद दीदी आएगी तो फिर उनसे मिलते हैं हम। मेरा तो देखो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सेफ पूड़ी खा रहे हैं यहाँ पे देखो। ये साहेब पनवन शिवानी चौक के सामने लगता है इनका कार्ट और अभी रेडी हो रहा है, तो उनके जो एम्प्लॉयज वो रेडी कर रहे हैं, उसके बाद दीदी आएगी। बीटेक वाली दीदी आ चुकी है और अब हम शूट करते हैं। ओके, पिछले 3 महीने से सिर्फ और सिर्फ एक नाम हर जगह पर गूंज रहा है, बीटेक पानीपुरी वाली, बीटेक पानीपुरी वाली। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स? सो गुड, सो पार्ट। आज हम आए बीटेक पानीपुरी वाली के पास और दीदी से मिलते हैं। हेलो दी, कैसे हो आप? आपको कैसा लग रहा है इतना पॉपुलर, आप 3 मंथ्स में हर इंस्टा और यूट्यूब फेसबुक में हर जगह मतलब बीटेक पानीपुरी बीटेक पहने, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस कि आप लोगों ने आके सपोर्ट किया, बिकॉज ऑफ यू ओनली आई एम हियर टुडे। सो ऑल प्रेयर गोस टू यू एवरीबॉडी। थैंक यू। और ये आपकी मम्मी है? नहीं, ये मेरी अभी शी इज अ टीम मेंबर ऑफ आवर। हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो आप अपकमिंग ऑफर्स के बारे में? आपको 100 रुपए का चार्ज है, मिनिमम 100 रुपए का चार्ज है, 200 रुपए हम आपको देंगे अगर आप नहीं चाहते। क्या आपको मतलब आइडिया कैसे, मतलब कैसे हमने सोचा कि एयर फ्राइड बनाने के लिए सब? तेल में नहीं। और जो आपके आउटलेट्स खुली है नहीं गुजरात में, जो आपने इंस्टा पे पोस्ट करा था, तो खुलने वाली है वो ओपनिंग सून ऑन 17। और आपको कैसे लग रहा, मतलब इतना अच्छा आपने पिकअप लिया और एज अ स्टूडेंट? और जो मतलब जो अपकमिंग स्टूडेंट्स जो कॉलेज में जा रहे हैं और आफ्टर 12th, तो उनको कुछ बताना चाहते हो कि मतलब ऐसा मतलब साथ में कोर्स करने के साथ अपना छोटा सा बिजनेस या स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं? जो भी कुछ आइडिया ऐसा लेके आओ जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम हो रहा हो सोसाइटी, कोई भी प्रॉब्लम, डेफिनेटली आपको उसमें अच्छा स्कोप मिलेगा। और क्या क्या आपने फेस करी है प्रॉब्लम्स? मैंने प्रॉब्लम कुछ भी मतलब ये सीधा सक्सेस नहीं है आपको? ये प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है, बिना प्रॉब्लम के तो कोई चीज आती नहीं है, अप एंड डाउन तो होता ही है।
ये भैया आप चैलेंज करने वाले हैं, तो 25 सेकंड्स में 12 फुल कप्पे, तो इनका स्टार्ट होता है। 1 2 3 स्टार्ट। टाइम स्टार्ट हो गया। टाइम स्टार्ट हो चुका है और यार गोलियों पे खाना भी स्टार्ट हो चुका है। माय गॉड, 25 सेकंड में बाहर है। मैम की स्पीड अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है मेरे को। खाने वाले खिला देंगे, देखते हैं कौन जीतता है। भाई ने पूरा ट्राई करा, बस हार गए। ये मैडम ने मतलब ये समझो कि मेरे ऊपर कृपा कर दी। अरे वाह वाह वाह, मैम के हाथों में दो दो गत्ते, तो शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। कम ऑन, क्या वादा वादा भैया की स्पीड। अरे गजा, जल्दी जल्दी। ओ भाई, अरे भाई, ओ भाई, मैम आपकी स्पीड भी स्लो हो गई। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कमाल कर दिया, मतलब आपने, आपको पैसा डबल हो गया। तो ये इसके लिए रोज आओगे तुम खेलने के लिए? मैं यही रहता हूँ बगल में। अरे लो मैम, ये तो क्या बात है। लो भाई, नाम मिलता 100 रुपए को 1 करोड़ बनाना है। हाँ ऐसे करते हैं, 1 करोड़ बनाना, हारना नहीं है। मतलब नया चैलेंज आ चुका है, ये भाई करेंगे चैलेंज। अच्छा, और इसका मतलब कि प्राइसिंग वगैरह क्या? 100 रुपए का मिनिमम है। मतलब कि 100 रुपए का, मतलब कि हम जितना लगाएंगे अगर हम कंप्लीट उसका डबल। 1 2 3 तो थोड़ा बहुत वहाँ पे मेरा YouTube चैनल का प्रमोशन भी हो गया था। लोग पूछ रहे थे आपके YouTube चैनल का नाम क्या है, तो मैं बता रहा था तो ये दूसरी उनकी कार्ट है जो कि मेट्रो स्टेशन के पास है, लेकिन यहाँ पे दीदी बैठी नहीं थी, दूसरी कार्ट पे बैठी थी, तो हम वहाँ पे गए थे। वेट कर रहा हूँ मेट्रो का, ये देखो मेट्रो भी आ गई और मैंने पैक करवाया गोलगप्पे। और चलो अब मेट्रो में चलते घर, और बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉगिंग करने में बहुत सारे लोग आए थे खड़े खड़े, मैं बहुत थक चुका हूँ। अब चलेंगे हम मेट्रो में, और ये रहा मेरा सामान, और ये बैग में भी है।